हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक इडियम दिया गया है, इडियम मींस मुहावरा, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एंड हमें फोर ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इस इडियम के मीनिंग को कौन फोर ऑप्शन में से बेस्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एक्चुअली इस इडियम का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझे। इसका मीनिंग होता है कि जब कोई चीज को एकदम से बिल्कुल इमीडिएटली कहा जाए कि स्टार्ट करने को, लाइक जैसे कोई रेस होती है तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट, जैसे ही गन शूटिंग होती है, कुछ भी कोई भी सिग्नल रिलीज होता है, देन कहा जाता है कि एट द ड्रॉप ऑफ हैट तो सभी भागने लग जाते हैं। इमीडिएटली किसी काम का इमीडिएटली करना, उसे कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट। नाउ लेट्स सी यूजली का मीनिंग क्या होता है। यूजली का मीनिंग होता है कोई चीज जनरल मैनर में हो, जनरली, और वी कैन से कोई नॉर्मल सिचुएशंस में, अंडर नॉर्मल कंडीशन हम जिस किसी चीज की बात करें उसे क्या कहते हैं, यूजली। कि यूजली यहाँ पे तो दंगे होते ही रहते हैं अगर हम कहें। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स रेगुलरली, ऑफन, जो चीज रेगुलर मैनर में होती रहे उसे कहते हैं फ्रीक्वेंटली। नॉर्मली का मीनिंग क्या होता है, कोई भी, वही सेम, इट्स यूजली, कोई नॉर्मल कंडीशंस को कह दें तो नॉर्मल, जनरल कंडीशंस। इंस्टेंटली का मीनिंग क्या होता है, इंस्टेंट मतलब तुरंत, एकदम से, तो वो कहते हैं एट वंस, इमीडिएटली। सो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली। सो करेक्ट।